नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमीरपुर जाएंगे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। 3 दिवसीय दौरे पे महोबा और बांदा भी जाएंगे, अफसरों के साथ बैठक करेंगे महेंद्र सिंह। पेयजल योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। हमीरपुर जाएंगे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। 3 दिवसीय दौरे में महोबा और बांदा भी जाएंगे महेंद्र सिंह, अफसरों के साथ बैठक करेंगे महेंद्र सिंह। पेयजल योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। हमीरपुर जाएंगे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। 3 दिवसीय दौरे में महोबा और बांदा भी जाएंगे महेंद्र सिंह, अफसरों के साथ बैठक करेंगे महेंद्र सिंह। पेयजल योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। हमीरपुर जाएंगे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 दिवसीय दौरे में महोबा और बांदा भी जाएंगे, अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे महेंद्र सिंह। पेयजल योजना का करेंगे निरीक्षण। हमीरपुर जाएंगे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जीका वायरस को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए गए निर्देश। ट्रेसिंग और टेस्टिंग को तेज करने के दिए गए निर्देश। मरीज के स्वास्थ्य की होगी कड़ी निगरानी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जीका वायरस को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए गए निर्देश। टेस्टिंग और ट्रेसिंग को तेज करने के दिए गए निर्देश। मरीज के स्वास्थ्य की होगी कड़ी निगरानी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जीका वायरस को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। कंटेनमेंट जोन बनाने के दिए गए निर्देश। ट्रेसिंग और टेस्टिंग को तेज करने के भी दिए निर्देश। मरीज के स्वास्थ्य की होगी कड़ी निगरानी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीएम योगी ने जीका वायरस से संबंधित कई निर्देश दिए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संविदा कर्मी से हुई छेड़छाड़ करने वाला अनुसचिव निलंबित हुआ, सचिवालय प्रशासन ने दिया आदेश। अल्पसंख्यक विभाग का अनुसचिव था आरोपी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां संविदा कर्मी से हुई छेड़छाड़ करने वाला अनुसचिव निलंबित हुआ, सचिवालय प्रशासन ने दिए निर्देश। अल्पसंख्यक विभाग का अनुसचिव था आरोपी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां संविदा कर्मी से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, छेड़छाड़ करने वाला अनुसचिव हुआ निलंबित, सचिवालय प्रशासन ने दिए आदेश। अल्पसंख्यक विभाग का अनुसचिव था आरोपी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संविदा कर्मी से हुई छेड़छाड़ करने वाला अनुसचिव निलंबित हुआ, बड़ी कार्रवाई करी गई है, सचिवालय प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जहां अनुसचिव को निलंबित कर दिया गया है। अल्पसंख्यक विभाग का था यह अनुसचिव आरोपी जो व्यक्ति बताया जा रहा है। आपको बता दें कि संविदा कर्मी से छेड़छाड़ का जो मामला सामने आया है, उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, अनुसचिव को निलंबित कर दिया गया है छेड़छाड़ के आरोप में। सचिवालय प्रशासन ने यह आदेश दिया है निलंबित करने का। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक विभाग का अनुसचिव था आरोपी। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो संविदा कर्मी के साथ छेड़छाड़ के जो मामला है ये सामने आया है, जिसके बाद सख्त एक्शन भी लिया गया है, अनुसचिव को निलंबित कर दिया गया है छेड़छाड़ के मामले में, और सचिवालय प्रशासन ने निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अल्पसंख्यक विभाग का अनुसचिव बताया जा रहा है आरोपी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, संविदा कर्मी से हुई छेड़छाड़ करने वाला अनुसचिव निलंबित।
सचिवालय प्रशासन ने दिए आदेश। अल्पसंख्यक विभाग का अनुसचिव था आरोपी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जो संविदा कर्मी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद छेड़छाड़ करने वाले अनुसचिव को निलंबित कर दिया गया है। सचिवालय प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और अल्पसंख्यक विभाग का बताया जा रहा आरोपी। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत, मौत के बाद दोनों में हुई हिंसक झड़प। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। मौके से फरार हुए क्षेत्राधिकारियों और पुलिस। घटनास्थल के लिए रवाना हुए एसएसपी। पूरा मामला थाना शाहगंज का। आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। मौत के बाद दोनों में हुई हिंसक झड़प, दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। मौके से फरार हुए क्षेत्राधिकारी और पुलिस। घटनास्थल के लिए रवाना हुए एसएसपी। मामला थाना शाहगंज का बताया जा रहा। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौत के बाद दोनों में हुई हिंसक झड़प। सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर पहुंचे शिवपाल। बलिया से बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का सिक्कों से तोला। शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित भी किया। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। सहतवार बद्री सिंह चौराहे के पास हुआ कार्यक्रम। सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर बलिया पहुंचे शिवपाल, कार्यकर्ताओं ने शिवपाल को सिक्कों से तोला। शिवपाल यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। सहतवार बद्री सिंह चौराहे के पास हुआ कार्यक्रम। बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सामाजिक परिवर्तन यात्रा बलिया पहुंची है, कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का स्वागत किया और सिक्कों से तोला शिवपाल को। शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित भी किया। कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखने को मिली। सहतवार बद्री सिंह चौराहे के पास कार्यक्रम हुआ है, तो बलिया पहुंची है सामाजिक परिवर्तन यात्रा, जहां पे शिवपाल यादव का बहुत ही खास तरीके से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने शिवपाल को सिक्के से तोला। युवक की हत्या से फैली सनसनी, रॉड और डंडे से पीट कर हुई हत्या। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्रामीणों ने शव रख कर किया हंगामा। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। अलीनगर थाने के सिकटिया गांव का मामला। युवक की हत्या से फैली सनसनी, चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, रॉड और डंडे से पीट कर हुई हत्या। ग्रामीणों ने शव रख कर किया हंगामा। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। अलीनगर थाने के सिकटिया गांव का मामला। युवक की हत्या से फैली सनसनी। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो करीब 425 ग्राम सोने किया गया बरामद। शारजा की फ्लाइट से आया था युवक, मलाशय में छुपा कर लाया था तस्कर। कस्टम ने सोने के दो पैकेट बरामद किए। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, करीब 425 ग्राम सोना किया गया बरामद। शारजाह की फ्लाइट से आया था युवक, मलाशय में छुपा कर लाया था तस्कर। कस्टम ने सोने के दो पैकेट किए बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, करीब 425 ग्राम सोना किया गया बरामद। अपराधियों में नहीं कानून का खौफ, फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कई बार फायरिंग करता हुआ दिखा युवक, पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां अपराधियों में नहीं कानून का खौफ, फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल। वीडियो में कई बार फायरिंग करता दिखा युवक, पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान दिया। युवक की तलाश में जुटी पुलिस।
अपराधियों में नहीं कानून का खौफ। फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल। योगी सरकार के आदेशों का पलीता। रायबरेली से बड़ी खबर, चरम पर तहसील कर्मियों की घूसखोरी। घूसखोर लेखपाल का वीडियो हुआ रिकॉर्ड। नाले की माप के लिए मांगे पैसे। जोना गांव में तैनात है लेखपाल अज्ञात साथ। महाराजगंज तहसील का पूरा मामला। योगी सरकार के आदेशों पर पलीता। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चरम पर तहसील कर्मियों की घूसखोरी। घूसखोर लेखपाल का वीडियो हुआ रिकॉर्ड। नाले की माप के लिए मांगे पैसे। जोना गांव में तैनात है लेखपाल आज्ञा प्रसाद। महाराजगंज तहसील का पूरा मामला। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।